बेसिकली ये जो हमने कोर्स लॉन्च किया है, इस कोर्स की सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि काफ़ी सारे बच्चों का ये मानना है कि जो अभी हाल फिलहाल में ही UPSC जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है वो बहुत ज़्यादा NCERT बेस्ड है, और बेसिक्स नॉलेज के ऊपर मुझे ये लगता है कि NCERT और प्लस तमिलनाडु बुक्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी गई है। तो हमने ये सोच के जो है एक महासंग्राम के तौर पे, यानी कि इसको इस तरीके से कि एटलीस्ट काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन, ताकि बच्चे इस बुक को प्रॉपरली समझ पाए, तो इसीलिए ये कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया। जब भी मेरी बच्चों से बात होती है तो बेसिकली उनका ये कहना है कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं खासकर, ये बुक जो है मार्केट में सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है और इसका हिंदी फॉर्मेट नहीं आता। तो हमने पूरे टीम के साथ मिलकर इसको हिंदी की ट्रांसलेशन की, और अब लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन करना और फिर उसको खुद से पढ़ना और एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ना दो अलग अलग तरीके हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको एनालिटिकल वे में UPSC की डिमांड के थ्रू पढ़ा। मैथ की अगर हम बात करें तो वो एक टीचर नहीं बताता है, बेसिकली आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट काफी 2015-16 से हिसाब से देखें तो ऐसा लगता है कि जो प्री बेसिक सवाल हैं वो आजकल बहुत ज्यादा NCERT हो चुके हैं, और प्लस अगर उसको आप करंट के साथ थोड़ा जोड़ के चलेंगे तो ये आपके लिए ऐसे भी फायदेमंद होने वाला है। मेरी अप्रोच तो ये है कि ये एक स्टूडेंट बेस्ड चाइल्ड सेंटर जिसे कहा जाता है, और इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स की हो। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का क्या है कि आप एक एक्टिव पैसिव वाला वो चक्कर है, क्योंकि अब सब हम लोग लाइव में आ चुके हैं, तो मेरा ये रहता है कि एटलीस्ट वो ग्रुप में जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप जोड़ दिया जाता है जहाँ पे हम लोगों के एक मेरे साथ एक बड़ी अच्छी खासी टीम है जिन्होंने ऑलरेडी मेंस क्वालिफाई किया हुआ है, तो उनके थ्रू उनके आंसर चेक होंगे। अब आंसर चेक होंगे तो आपको पता चल जाता है कि आपको UPSC में अपने क्वेश्चन के थ्रू ही, आंसर के थ्रू अपने आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि टीचर आपके साथ थ्रू आउट द डे आपके साथ, एक तो आपको लाइव लेक्चर भी दे जा रहे हैं और प्लस वो आपके साथ जुड़ रहा है, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैं बहुत 4 दिन के अंदर फिनिश कर दूंगा, ताकि बच्चा जो है 2021 के लिए जो भी जा रहा है वो भी इसको कर ले। मेरा ये मानना है कि एक्चुअली इसको प्रिपेयर तो आप ही नहीं करना है, टीचर का ये है कि वो आपको गाइड कैसे करेगा, कैसे पढ़ना है, सिर्फ इसमें बिटवीन द लाइन पढ़ना है। इसमें भी काफी सारी चीजें हैं जो इररिलेवेंट है, जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको कैसे निकालते हैं। सो इसको इंग्लिश में बड़ा अच्छा टर्म बोला जाता है कि वन मस्ट बी एबल टू ड्रॉ लाइन ऑफ डिमार्केशन व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। तो पढ़ने के लिए तो वो बुक हम खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये है कि उसको किस तरीके से UPSC की डिमांड से आप कैसे पढ़ेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपने जो प्रश्न पूछे और जो आपके सवाल थे कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, एंड आई होप दैट कि आप जब जुड़ेंगे तो काफी सारी चीजें होती हैं कि जब आप जुड़ते हैं तो तब आपको पता चलता है। और मेरा ये मानना है कि टीचर का सबसे ज्यादा बड़ा काम रहता है कि जब वो क्लास फिनिश करता है वो कितना बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है आफ्टर क्लास, और वो मेरा लक्ष्य रहा है। और उम्मीद है कि यही कोर्स आप लोगों को, जितने भी बच्चे जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ जुड़े, अगर आपके भी कोई प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं ऐसे ही भेजें आप, और हमारे टेलीग्राम नंबर पर भेजें, मैं इसी तरीके से आपके साथ जुड़े के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच।